कोई स्वप्न देखते हैं और जब हमारी आंखें खुलती है तो हम स्वप्न फल जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि मैंने जो सपना देखा है उसका क्या मतलब होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। तो सपने में भगवान श्री कृष्ण का देखना कैसा होता है, शुभ होता है या अशुभ। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि भगवान कृष्ण सपने में इन रूपों में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, ये सपने जिंदगी बदल सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखने का मतलब। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक यदि सपने में श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपके जीवन में ढेरों खुशियां दस्तक देने वाली है और आपको एक के बाद एक सफलताएं मिलेगी और आप खूब तरक्की करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां झूम उठती थी। यदि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप सपने में भगवान कृष्ण को बांसुरी बजाते देखते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है यह है कि आपके जीवन में अपार सुख और खूब धन आने वाला है। अब आप पूरी जिंदगी चैन की बंसी बजाएंगे और आराम से जिएंगे। यदि सपने में भगवान श्री कृष्ण अगर गोपियों के साथ अगर दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? तो यदि सपने में श्री कृष्ण भगवान अपने गोपियों के साथ दिखे तो यह मान ले कि आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने वाले, मित्रों का साथ आपके जीवन के सारे दुख दूर कर देगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो सपने में भगवान श्री कृष्ण का देखना बहुत ही शुभ सपना होता है।